हेलो दोस्तों, टेक्निकल मोनू में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने हैं वाले हैं मेजरिंग टेप के बारे में। मेजरिंग टेप में आप MM, इंच, सेंटीमीटर, मीटर को कैसे पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। अगर वीडियो के बारे में आपको नॉलेज है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नई नॉलेज है तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक मीटर है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हमारा ज़्यादा काम MM, सेंटीमीटर, इंच और मीटर में होता है, जो कि हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में या नॉर्मल वर्क में यूज करते हैं। छोटे मेजरमेंट के लिए ऐसा यूज होता है, बड़े मेजरमेंट के लिए हम मीटर में या हमको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। आइए मीटर के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मीटर है। ये ऊपर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, A1 2 3 4 करके, ये है दोस्तों इंच। इसको हम लोग इंच बोलते हैं। ये आपको ऊपर में इंच दिख रहा होगा, ये 1 2 3 4 करके, ये इंच होता है। और ये देखिए 12 इंच में, देखिए 12 इंच में 1 फुट होता है, मतलब 12 इंच में 1 फुट होता है। ऐसे देखिए, इधर 24 में जाएगा, देखिए यार 24 में जाएगा तो इधर 2 इंच हो गया। ऐसे ये इंच होता है, इंच में 12 इंच में 1 फुट होता है, 24 में 2 फुट होगा, 12 इंच में 1 फुट और 24 इंच में 2 फुट होता है। दोस्तों, ये हो गया इंच का और फुट के बारे में। उसके बाद हम बताते हैं दोस्तों ज़्यादा यूज होने वाला MM और सेंटीमीटर। अभी आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, ये लगने की वजह से आपको सही नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर से बताता हूँ। यहाँ से देखिए, इधर 1 लिखा है, 1 से और 2 के बीच में ये 1 cm होगा, सेंटीमीटर। इसमें हमारा जो ये छोटा छोटा आपको लाइन दिख रहा होगा, ये 10 लाइन है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ये जो आपको बारीक बारीक, ये देखिए, ये बारीक सा ये दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आएंगे तो 5 mm हो गया, 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 हो गया। तो 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है। तो उसके बाद देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके ये सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये देखिए, 1000 mm का, 1000 mm में 1 मीटर होता है। देखिए देखिए, आपको मीटर कैसे देखना है। देखिए यहाँ, अगर 1 में 10 हो रहा है, 10 mm हो रहा है, तो 2 में 20 mm हो गया, 3 में 30 40 50 60 70 80 90 100, मतलब 100 mm, इतना लेंथ में 100 mm हो गया। तो 100 mm इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300 400 500 600 700 800 एंड 900, और ये देखिए 1000। 1000 मतलब 1000 हो गया। इधर 1000 में, 1000 mm में 1 मीटर होता है, 1000 mm में दोस्तों 1 मीटर होता है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना इधर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, 20 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। ऐसे करके हम mm निकाल सकते हैं और निकाला जाता है दोस्तों। इसी बार कर करते हैं, ज़्यादातर हम लोग mm और सेंटीमीटर और फुट में ही वर्क करते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर आप नए हैं, नहीं मालूम है, तो आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्लाइंट आपको क्या करेगा, ऐसे मीटर दे देगा, मीटर दे देगा और बोलेगा कि आप ये बताइए कितना, ये कितना लेंथ का मीटर है और इसे हम कितना लेंथ नाप सकते हैं। तो कितना आदमी होते हैं लगेंगे ऐसे मीटर निकाल के चेक करने के लिए, मीटर निकालने लगेंगे। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये रॉन्ग तरीका है। आप मीटर निकाल के चेक लगेंगे करने, तो उसको मालूम चल जाएगा क्लाइंट को कि आप काम नहीं किए हैं। आपको मीटर हाथ में लेते ही देखना है कि क्या लिखा है। इधर देखिए लिखा हुआ है, देखिए 5 मीटर, 5 मीटर 19 mm और 16 फीट तक, ये मीटर से हम लेंथ को माप सकते हैं। इधर दिया हुआ, आपको पहले इधर ही देखना है। ऐसा नहीं है कि आप, वो क्लाइंट पूछ दिया तो आप उसके सामने मीटर निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको मालूम चल जाएगा दोस्तों
कि वो आपको कुछ भी मालूम नहीं है। देखिए अभी ये 5 मीटर और 16 फीट दिया है ना, फिट, मैं उसके बारे में आपको निकाल के मैं अभी दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं है। क्लाइंट के सामने कभी भी मीटर निकाल के नहीं चेक करना है कि कितना का है ये, कितना बार मीटर निकालने के चक्कर में मीटर ख़राब हो जाता है दोस्तों। देखिए ये देखिए 500 हो गया, 500 इधर दिया है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा, 1000 में 1 फुट होता है, तो 5 हो गया, ठीक है 5 मीटर हो गया। उसके बाद देखिए ये 16 फुट इधर दिया हुआ है, 16 फीटर, ठीक है इधर फुट में दिया 16 फुट, और इधर देखिए ये दिया है 500 mm, ठीक है दोस्तों 500 सेंटीमीटर में सीएम है, तो सीएम में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 हो जाएगा, 5000 में 5 मीटर हो जाएगा दोस्तों, इधर दिया हुआ है। ऐसे करना है आपको, मीटर निकाल के कभी भी आदमी के सामने चेक नहीं करना है, अगर आप काम अपने खुद करते हैं इसके हिसाब से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट आपको मीटर दे देगा तो बोलेगा 1 मीटर निकाल दो, चाहे 1 मीटर 10 mm निकाल दो, 1 मीटर 10 cm निकाल दो, सेंटीमीटर निकाल दो, ऐसा करके वो निकालने के लिए भी बोल सकता है। इसके लिए आप लोग पहले से निकाल के एक बार चेक कर लें कौन सा कितना है, और आराम आराम से नहीं निकालना, उसका एक लेंथ होता है कि एक बार में निकालें तो नियर अबाउट वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, इससे उसको मालूम होगा कि आप काम किए हैं और मीटर को यूज किए हैं। दोस्तों हमको उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए।